अंजलि को जाना चाहिए था फिनाले टिकट, नहीं था उसका नसीब फिनाले का ही, इसका ही था शिवम का करम। yep. जैसी करनी वैसी भरनी। ऑफ कोर्स और वो भरनी टूट गई थी। मुनव्वर फारूकी अगर फाइनलिस्ट बने ही ना, बने ही ना तो मजा कितना है, तो कितना मजा। मैं तो सोच रहा हूँ अली मर्चेंट को ले आते हैं फिनाले। और कौन है अली मर्चेंट अगर फिनाले में आ गया, मुझे ये लॉकअप के टाइटल पे से भरोसा उठ जाएगा, जो मैं ये रोज लॉकअप लॉकअप देखती रहती हूँ। लॉकअप लॉकअप लॉकअप। हाय हाय अली माय गॉड। अली मर्चेंट मैं कह रहा था, मैं तुमको देख के ही बोल रही थी, क्योंकि तुमको मेरे को पोक करना था। मैंने देख लिया तुम पीछे से आ रहे हो। मैंने यही बोला, अभी जस्ट बोला, कम चेक करो। मैंने देख लिया कि तुम पीछे से आ रहे हो, इसीलिए हमने ऐसे बोला। ऐसे उठाओगे देखो। पहले फटा हुआ होगा, हार्ड वर्क छोड़ दोगे अब, बाहर छोड़ दोगे। ओह गॉड यार, अली मर्चेंट तो फिनाले में आएगा ही। भाई मैं दुनिया में सिर्फ एक चीज से डरता हूँ, अपने माँ बाप को खोने से। मैं पता नहीं क्यों अपने आप को, आई कैन सी माई सेल्फ विदाउट माई पेरेंट्स। आई नो मैं तभी बोलता हूँ तू इतना स्ट्रांग है भाई, इतना स्ट्रांग है, हद से ज़्यादा। शायद तेरे को इसीलिए अभी टैलेंट से भरपूर कर दिया भगवान ने, क्योंकि उनको पता है कि तूने भी बहुत लोगों को देखना है। बहुत कुछ ले लिया, बस बहुत कुछ देने से पहले बस। मेरे डैड ड्राइविंग करते थे पूरी ज़िंदगी, इसलिए वो मेरे को कार चलानी नहीं देते थे। उनको एक डर था कि ये मेरी तरह ड्राइवर ना बन जाए, बट वो बोलते नहीं थे कभी ये वर्ड। ठीक हो भाई? हाँ हाँ, तो वैसे ही हो जाएगा। उनको मिलाओ, जैसे जाऊँगा तुम्हारी अम्मी अब्बा से मिलूंगा, तेरे को प्यार हो जाएगा। वो तेरे को इतना प्यार करेंगी ना, वो खाना खिलाएंगी ना इतना, और तुझे बोलेंगी तू प्रिंस नहीं भी होता तू बेटा आया कर यहाँ पे जब तेरा शो होता है। रोमन टाइप, तुम हिम्मत देते हो। हेरा ताकि मुझे पूछे तो मैं बोलूं कि हाँ उसने किया है। पूनम के बर्थडे तक ठीक। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। ओह व्हाटएवर बिच। अंजलि के अरोरे। दैट जस्ट साउंडेड आसमान के फला। और लड़कों को कैसा बोलोगी? क्या 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 अली का मर्चेंट। शिवम का शर्मा रहा है। शिवम का शर्मा। ओह गॉड। पायल के रोहतगे। करण वीर का बोरा गए। प्रिंस का निरुला। ऐसी बात मत करो, मैं इमेजिन करने लग जाती हूँ। मुनव्वर की फरूकी। देखो कैसे स्वामी का बताओ, स्वामी चक्रपाणि महाराज का, चक्रपाणि का पायल क्या करें हम बताओ।
अब जेलर जी इस बात पे भी तो नहीं गुस्सा हो जाएंगे मुझसे, इसीलिए मैंने सोचा किसी को नहीं बोलूंगी, चुपचाप बैठूंगी, बस प्रिंस को देखते रहो। कितना हैंडसम लग रहा है खाते हुए। ये अंजलि मुझे देख रही है, हट, अंजलि को कौन देख रहा है भाई, कर रहे हैं। हाँ लेकिन हम तो प्रिंस को देख रहे हैं। Boys club, no more. Pakistan's new cabinet has women in key positions. The new federal cabinet of Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif. Oh my God, Shehbaz Sharif. Shehbaz Sharif को तो जैसे तू personally जानती है, इतना खुश होगी। हर एक चीज जानती हूँ मैं। क्यों? क्यों एक राज है। Should boys have all the fun? So boys women are coming in the parliament. Women are coming in the parliament of Pakistan. Women are there everywhere. Munawwar Farooqi has to be okay with that. Munawwar Farooqi has to be okay with that. मतलब you have to be okay with me. I'm talking about the game. So मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम औरत हो या मर्द। मुझे हाँ? मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम औरत हो या मर्द। Excuse me, it was a sarcasm. You learn to take it. No, no. Yeah. तुमने ये बोला, it's okay. Because for me, you are my competition. That's it. Yeah, exactly. I don't see women or men. हाँ, but I am taking it in my spirit. मैं वो equally रखता हूँ. हाँ, so women are there everywhere. मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है, रुको. हाँ, time लगता है ना धीरे-धीरे पढ़ने में. हाँ, English weak है. हाँ, English बहुत weak है. Boys club. शिवम समझ गए, women are everywhere. ये पता नहीं शायद इनके दिमाग आया कहीं और से आइडिया आया है कि जो इनकी महिलाएं हैं वहाँ की उनमें ज्यादा दिमाग है भले कि उनमें मर्द वो तो देखिए ये महिलाएं दिमाग रखती हैं होती हैं बट उनको मौका नहीं मिलता ना मैं लाया नहीं जाता इसलिए अब ये इनका जो नया चेंज लाए अपने देश में ये ज्यादा इनकी भलाई के लिए है पाकिस्तान के लिए जो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है जो जरूरतें होती है वो लड़कियों से बेटर कोई नहीं समझ सकता बराबर देखो मेरे को हिस्ट्री पता ही नहीं है मैं कह रही हूँ मेरे को हिस्ट्री पता ही नहीं है मैं तो हिस्ट्री थर्ड पार्टी से पढ़ूंगी शट अप मैन पे भी इंफॉर्मेशन लिंक्स आते हैं आप लिंक्स पढ़ते देयर आर थर्ड पार्टी पीपल हु आर राइटिंग दैट इंफॉर्मेशन आई एम नॉट एन हिस्टोरियन स्टूपिड पर्सन मेरे को तो इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है जस्ट डोंट स्टार्ट टारगेटिंग मी आई एम टॉकिंग टू यू समथिंग इंग्लिश नहीं पढ़ने आती आपको जाहिलियत कैसे हो गई आपको पता है इंग्लिश पढ़ने नहीं आती वो जाहिलियत कैसे हो गई प्रॉब्लम इसमें क्या हुई कि हम लोग जो सोच रहे थे हम टास्क के चलते सोच रहे थे कि कुछ इंडिविजुअल करते हमने नहीं सोचा था कि उसको इतना ये रिएक्शन आएगा कि वो इतना बुरा मान जाएगा इतना बुरा मान जाएगा ये वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है बार बार टॉन्ट कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है अब और फिर ये कहता है नहीं मैं तो कॉमेडियन हूँ मेरा तो बनता है मैंने तो कितनी बार उसको मुँह पे भी बोला है ना कि तू पहले तो सैशा मैं नहीं बोलती मुँह पे ये चीज़ें अगर मेरे को कुछ बुरा भी लगता है ना तो मेरे को ये लगता है कि चल कोई बात नहीं दोस्त है उसका हक बनता है बोल दिया होगा कोई दिक्कत नहीं है मेरा ये नेचर है दैट्स माय पर्सनालिटी हाँ बट देन दैट्स द थिंग नो जस्ट लाइक कि अब मुझे समझ आ रहा है कि नो आई हैव टू स्पीक कि मुझे अगर कुछ बुरा लग रहा है तो ऑन द पॉइंट मैं बोलूँ एंड मैं अब करूँगी
मुनावर कन्वेंस करने में अच्छा है, मुनावर समझाने में अच्छा है, मुनावर बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाता है, समझा पाता है, राइट? जब एक टास्क आता था ना, टास्क में सबका दिमाग होता था, सबकी मेहनत होती थी, ए टू जेड। पांच जने खेल रहे हैं तो पांचों की इक्वल मेहनत होती थी, पांचों का इक्वल एफर्ट होता था। जैसे ही टास्क ख़त्म होता था, जब हम जीतते थे, शोर कौन मचाता था, ऐसे 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 कौन करता था, उसमें क्या लगता था कि यार पर अभी इंडिविजुअल गेम में वो सब नहीं होगा ना। यस अभी उसने क्या बोला मेरे को, मैंने उसको बोला देख, बार बार टॉन्ट मार रहा था, मैंने बोला देख मुनावर, मेरी दोस्ती आज भी उतनी सच्ची है। तो कहता उसने ये रिएक्ट किया, सच में गिल्टी फील हुई कि तू मेरा दोस्त है, मैं वो तेरे खिलाफ कभी नहीं करती, पर दिस इज़ अ गेम, एट द एंड हम शो में हैं। यस तो बताया क्या बोला उसने, सब कुछ पहले जैसा है ना, सब कुछ पहले जैसा है ना, तो इसका मतलब तो दोबारा करेगी। प्रॉब्लम क्या है उसमें अगर तू खेल रही है? बता दें यार, बट पूनम नाउ इट्स इनफ, आई फकिंग डोंट केयर अबाउट एनीवन, इट्स फिनिश्ड, डजंट मैटर, फकिंग डोंट केयर। तुम दोस्ती दोस्ती का डंका बजा रहे हो, तुम इतनी सामने वाले के मन में चीज़ें करवा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें सच बताना चाहिए? नहीं बता रहे ना, तब मैं लहराऊं झंडा दोस्ती का, तभी तो मैंने लेट गो किया ना, नहीं इट्स ओके okay, उसकी लाइफ है, आई एम हैप्पी। जब मैं इतना मैच्योरली बिहेव कर रही हूँ तो व्हाई नॉट यू? दैट्स ऑल, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना, क्योंकि मैं जानती हूँ वो इससे हर्ट होगा, और वो हर्ट होगा तो मैं हर्ट होंगी। मुझे नहीं बोलना, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो वो बोल रहा है उससे हम दोनों हर्ट हो रहे हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये दोस्ती नहीं होती है, ये जो बोल रहा है ना कि तुमने मेरे को धोखा दिया है, धोखा दिया, धोखा दिया, धोखे की बात अगर मैं करूँ तो मेरे पास तो बहुत बढ़िया चीज़ है बोलने के लिए, पर मैं नहीं बोलूँगी। जेलर इज गुड लुकिंग, हां जेलर की तो बात ही अलग है। प्रिंस नरूला भी अच्छे हैं, बट करण कुंद्रा के नक्शनैन अच्छे हैं। हां नहीं नक्श बहुत अच्छे, नक्शनैन आप समझ रहे हो, प्रिंस नरूला को तो अकेले छोड़ते ही नहीं कि भाई जरा हम बात ही कर ले प्रिंस नरूला से थोड़ा। तो हम बोलते हैं ना कि आसमा को आपसे इन्फैचुएशन हो गया है, आप आसमा को टाइम ही नहीं दे रहे हो। बोलना चाहिए वैसे पायल आपको प्रिंस को, बोलो अभी नहीं बात। प्रिंस नरूला जी, आसमा को आपसे इन्फैचुएशन हो गया, वो कह रही है कि सब प्रिंस नरूला के पीछे पड़े रहते हैं, प्रिंस नरूला हमें टाइम ही नहीं देते हैं। मैंने ठीक है मैं उनको बोल के आती हूँ। मैं आता हूँ, बोलो आया पिद्दी। वो चुप छुप गए, वो खाना खा रहा है। क्या बोला? बोलते डोंट वर, पिद्दी को मिलने आता हो। उनकी तो वाइफ है। हाँ तो फिर तो अच्छा तो भी इट्स ओके, मैरिड में आप इन्फैचुएट तो हो सकते हो, आप कुछ गलत करो मत। क्या ना मैम ने तो बोला था ना, क्या कि मैरिड मैन में एक अलग वो रहता है चार्म। आना सर, नहीं मैं खाना खा रही हूँ, मैं चप्पल लेने आई थी, देखा दोनों हंस रहे हैं तो सोचा पूछ लूं क्यों हंस रहे हैं। जेन्युइनली बहुत हर्ट हूं, मैं क्या करूं? मत बना इसको अपना वो, प्लीज मत दिखा। तुम्हें को बोल रही थी मैं बदल गया, तुम्हें को बोल रही थी मैं बदल गया हूँ, तू तो पूरी ही बदल गई यार। शायशा पूनम के साथ बैठ के बातें कर रही है, उनके साथ गेम डिस्कस कर रही है, गेम डिस्कस कर रही है, माय गॉड। मेरे लिए जरा गेम इंडिविजुअल हो गया, बट अभी
आगे डिस्कशन। एक सेकेंड, तुझे लगता है कि मैं पूनम साइशा बैठ के गेम डिस्कशन कर रहे थे? और नहीं तो क्या। गुड, मुझे लगता है तू यहाँ, पता है तुझे? चलो कहीं तो गलत हुआ। पिंक केस ले ले रहा हूँ। अच्छा सही है, जबरदस्ती मत लियो कोई चीज। बाहर जो चार लाइन बोली थी क्या थी वो? क्या? जब तू मैं प्रिंस बैठे थे, क्या था वो? फेक शुभ चिंतक का क्या आके बढ़ कर दे। वो तो मैं उसको गाना सुना रहा था। हाँ हाँ। तुझे तेरे लिए लगा? नहीं नहीं, तुझे पता है ना मेरे में इतना गूदा तो है कि मैं अगर टोंट भी मारूँ ना तो मैं बता के मारूँ कि तेरे को टोंट मार रहा हूँ, ठीक है ना? तभी तो बाकी चार लाइन तूने ऐसे बोली, फेक शुभ चिंतक ऐसे फेक किया। फेक शुभ चिंतक, वो तो मैं रैप करते तो वो स्टाइल होता है। देखिए जी, मैं तेरे से डरता नहीं हूँ, अगर मैंने तेरे लिए बोला होता ना। मैं तो चाहती भी नहीं कि तू मेरे से डरे। कल जो लाइन बोली थी वो तेरे लिए बोली थी, गया फूल लेने कांटे सारे तोड़ लाए। तेरे वो हल्की सी कोई छोटी सी भी बुरी लगती जो पता भी नहीं होता था क्या बुरा लगा ना, तब भी मैं तेरे को आता था मनाने के लिए, समझ गई? तूने तो इतना बड़ा कांड किया है तो प्लीज। मैंने नहीं बनाया ना। तो हो गया, ये लिमिट थी 12, वैलिडिटी में आता है क्या तेरा मनाना? हमेशा याद रखना कि जो इंसान जितना ज़्यादा हॉट होता है ना उतना क्लोज होता है तुम्हारे से, वही रीज़न की वजह से। उसके साइशा से इतना वो नहीं हूँ मैं अभी भी। हमें तुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि चीज़ मेरे को कितनी इफेक्ट करी है। तो मुझे पता है तो मैं उसका क्या करूँ? हाँ तो बस, फिर जब पता है तो ठीक है। मेरी क्या गलती थी? मेरे को बता दे मेरी क्या गलती थी। इसमें गलती किसी की कुछ नहीं है, था तूने उस वे में लिया, मैंने उस वे से नहीं किया था, बस ठीक है, हो गया ख़त्म। मेरे को नहीं डिस्कस करना है वो बार बार, नहीं करना है, मत ला बीच में उस चीज़ को। मैंने गलती की, मैंने बोला बस। तूने खाना है? नहीं खाना, मन नहीं है। काले काले मैं खिलाऊंगा मेरे हाथ से? भरोसा मत करना, पता मुझे। वो तेरे से बहुत ज्यादा नाराज है और वो मुझे ना किसी पे भरोसा करना है ना करवाना है। करवाने की फिक्र मत कर, किसी में तो नहीं आता। अच्छा, तू विनता होगा लोगों में। अच्छा तो क्या चाहती है तू, मैं तुझ पर भरोसा करूं या ना करूं? मर्जी है तेरी। तू क्या चाहती है? तू क्या चाहती है? तू क्या चाहती है, तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी? मैंने तो अभी भी नहीं तोड़ा, तूने इस वे में लिया कि मैंने तेरा भरोसा, तूने खुद एक्सेप्ट किया। जब तूने खुद एक्सेप्ट किया, चेंज मत कर, भरोसे के लायक नहीं है। हाँ, क्योंकि तूने वो तोड़ा भरोसा, इस बार मत तोड़ना, ठीक है? इस बार मत तोड़ना। गेम के चलते अगर कोई इस हद तक जा सकता है, मैंने बोला ये अगर तुझे जीतना है तो साइशा का लगाना पड़ेगा, आप सब उसको मिलकर हीरो बना रहे हो, उसको हीरो बनने दो, पर खुद की मेहनत से। तुम भी तो हीरो हीरोइन बनना चाहते हो ना, तुम भी तो भाई लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे भी अपने सपने हैं, ड्रीम्स हैं। वो कोई एक टाइटल जीत के वो तुम्हारे सपने पूरे नहीं करेगा, तुम्हें एट द एंड सपने सारे अपने पूरे। सुनो ना फ्रेंड्स, कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो। क्या बोलूं झूठ? मैं हाँ में बुलाना चाहती हूँ।
क्यों क्यों वो सच बोलेगा मैं सच ही बोल दूंगा मैंने आपको सच बोला ना कि तुम बहुत प्रीटी हो तो ये कॉम्प्लीमेंट दिया तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता कि तुम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह हो सुंदरता में थैंक यू अभी सारा कॉम्प्लीमेंट क्या दे सकता हूँ मेरे से मेरे लिए मेरी वाइफ से ब्यूटीफुल कोई है ही नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप वैसे लगते हो बिल्कुल थैंक यू और आपको इतना अच्छा लड़का मिलेगा लाइफ में आपको बहुत खुश रहेगा अब वो कभी मिलेगा वो छोड़ो अभी जो मिला है मैं उससे बात करना चाहती हूँ हाँ ठीक है चलो सुनो ना प्रिंस कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो मैं हाँ मिलाना चाहती हूँ हाँ हाँ मिलाना बताओ बोलो झूठ है तुम ये शो जीतने वाली हो मिला हाँ में हाँ बेचारी उठ गई कैरी कैरी बैठ आजमा कैरी एल लगा रहे हो तुम आजमा बैठ जा I'll be back. हमज़ा कम पे और मुझे भी दो तीन झूठ सुनने हैं यार हमज़ा कम पे मरहम करके आते हैं दोबारा एक शायरी अर्ज करें बड़ी अजीब सी बंदिश है आपके मोहब्बत की आपकी सॉरी बड़ी अजीब सी बंदिश है आपकी मोहब्बत की मोहब्बत की ना आपने कैद में रखा ना आपने कैद में रखा ना मैं आजाद ना मैं आजाद हो पाई अभी चार पांच बार प्रैक्टिस करूंगी फिर बोलूंगी यार मेरी शायरी सुन के हंसने लग रहा है बता फीलिंग ही नहीं आ रही देख रहा था मैं हंसने लग गया मैंने बोला रुको हंसो मत हमारा फीलिंग्स खराब हो रही है डिस्ट्रॉय हो रही है अभी बोलूं या बाद में बोलूं या अभी बोला चल रहा है कट टू कट सीन चल रहा होगा ये दोबारा दूसरी शायरी है शॉर्टकट सिखाने के लिए सारा दिन आज उसको सारी शायरी सुना के थैंक यू गुरुजी जा जा कट टू कट चल रहा है जा जल्दी बड़ी अजीब सी मैं ट्रस्ट नहीं करता उस पर क्योंकि उसने दो तीन बार ऐसा किया जो लोगों ने ट्रस्ट किया उस पर थोड़ा गेम के लिए और जैसे कि गेम इंडिविजुअल है और जैसे कि हमें पता है मैं ट्रस्ट नहीं करना किसी पे उस पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहा हूँ बट मैं उसे उतना पावर भी नहीं दे रहा हूँ कि वो मेरा ट्रस्ट तोड़ सके फिर कोई शायरी आई क्या बताओ आप बैठोगे हाँ बड़ी अजीब सी बंदिश है आपके मोहब्बत की ना आपने कभी कैद किया ना मैं आजाद हो पाई अरे वाह क्या बात है क्यूटी मैं मरना चाहूँ ड्रामेबाज आपका पलव कि आपकी दिल की धड़कनें ड्रामेबाज है वो बिद्दू चालू है नहीं बंद तो नहीं हो गई ये स्लो ईसीजी करवा लो चेक करवा लो एक और हफ्ता मिल गया तो फिर बाप रे पर ये मोहब्बत का इजहार होगा सोते सोते मैं प्रिंस नरोला को देखते रहती हूँ ऐसे मुंडी तिरछी करके क्या कर रहा होगा पहले अच्छा नहीं लगा लेकिन अब भी अच्छा लग रहा है मैं प्यार से हक करता है मैं वहीं पे क्या होता है अरे बैठ ना बैठ तो सही अरे बैठ बैठ इधर आज मैंने प्रिंस नरोला से पूछा क्या पूछा क्या पता जेलर आ जाए डंडा लेके दोबारा कि मेरी भाभी है इसलिए मैंने पूछा कि आपकी वाइफ को बुरा तो नहीं लगता कोई लड़की आपसे फ्लर्ट करती है तो ऑब्वियसली लगता होगा नहीं प्रिंस नरोला ने बोला नहीं लगता है बुरा क्योंकि ये भाव नहीं देता ना तो बोला क्या है लड़कियां फ्लर्ट करती है लेकिन उनको पता है मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा हां तो फिर इशू नहीं है ना तो तू तो फ्लर्ट कर सकती है फ्लर्ट नहीं कर रही हूं लेकिन ये मेरा क्रश बन गया है क्रश बन गया इतनी सी है तू तो तेरे को प्रोटीन तो उसने तो तेरे पे प्रोटीन पाउडर डाला था ना प्रिंस तो तू तेरे साइज का रोज प्रोटीन पी जाता होगा ऐसे गोल के तुम तो मेरी मदद कर ही सकते हो पर तेरी नियत खराब है ना इसलिए नियत साफ है बिल्कुल से थोड़ा सा भाव दे दे सारा दिन थोड़ा सा भाव दे दे कम से कम 50% टाइम मुझे 50% टाइम तुम लोगों को बस खत्म अरे बट उसकी वाइफ है बाहर तो मैं कौन सा गंदी नियत वाली हूँ मेरे को तो अच्छा लगता है क्रश या भी क्रश कोई भी हो सकता अच्छा, है अच्छा उसके डोले पे लटक जाने का मैरिड मैन के अंदर एक अलग टाइप का चार्म होता है हाँ तो वो तो ठीक है वो सब छोड़ो हमारे अंदर भी चार्म है लेट्स नॉट गो देयर
लेट्स नॉट गो देयर. अब यहाँ पे तेरी बात चल रही है वही करते हैं. ठीक है ठीक है. हाँ डन. तो मैं ये कह रहा था. हाँ कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है बताया. तू पसंद करती है, तेरा क्रश है ये, पर अभी देखो उसने केस करा ना. तो मैं वहीं पे मरने वाली थी, दोबारा जान आ गई मेरे अंदर. तो प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट हुई. अभी भाभी जो बाहर देख रहे वो भाभी पड़क गए तेरे पे. अभी थोड़ा बुरा लगता है. देखो मैंने प्रियंका नहीं क्या नाम है युविका को भाभी बनाया है, लेकिन उनके हस्बैंड को भाई नहीं बनाया. वो बन गया. वो नहीं, चुप करो. वो बाय डिफॉल्ट भाभी बोलते हैं तो फिर मैं युविका बोलूंगी. शिवा मेरी हेल्प करेगा. आज मैं प्रिंस को इतनी शायरियाँ सुनाऊंगी, इतनी शायरियाँ सुनाऊंगी कि बस. वन लाइनर्स. प्रिंस भाई. अयो तुम क्यों फंसा रहे हो, मुझे मरवाओगे क्या प्रिंस? शिवम भाई इसको तो प्यार हो गया. अरे नहीं भाई, मजाक कर रही है वो. अरे नहीं भाई. अरे नहीं, मेरे को पता नहीं है इसके चेहरे देख. वो अंदर बैठे थे अभी और हम लोग बैठे थे तो बूम बाम के सामने बोले थे कि तो क्रश ही हो गया मेरा. तो प्रिंस गुस्से में तुम घूम रहे थे ना अंदर, कुछ उसने काम के लिए मना कर दिया था. तो बोले गुस्से में घूम रहा है ये वो. मैं बोला तो ठीक है, बोला तुझे इतना फ्लर्ट कर रही है ना पावर कार्ड से, तेरे को उसने बाहर नहीं निकाला ना तो देख तू. मैं बोला उसकी बीवी से. तो मेरे बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो वो मेरे पर गुस्सा भी करेगा ना तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी उसको. तो फिर मैंने ड्रामे कर रही है वो. मुँह तोड़ दो. मुनव्वर फारूकी सेटिंग खराब करके ही रहेगा. अच्छी खासी दोस्ती की है चार पांच दिन में, मेरी सारी दोस्ती बिगाड़ देगा. उसको पूछा कि तेरे को शिवम पसंद है क्या? मेरे को बोलती है नहीं, मेरे को ना बड़े लोग पसंद, बड़े लड़के 30-34 एज के. हमेशा कबाब में हड्डी बन के रहेगा ये मुनव्वर फारूकी. शो में कॉम्पिटिशन भी है और अभी चमचा भी बन गया. पहले इसने चमचे पाले थे, अब खुद एक चमचा बन चुका है. इसका जो बॉयफ्रेंड था पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड एजेड था बड़ा, 35 साल, इससे कुछ 10-15 साल. तो बोल रही थी कि मुझे एजेड लड़के पसंद है जो 35 साल के होते हैं ना, एकदम मेच्योर है वो. सो मुनव्वर ने मुझे बताया था 2-3 बार जब भी मैं उसे भी ये जो तमाशा हुआ उसके बाद जब मैं बात करने गई हूँ कि मैंने और अंजलि का जो डिस्कशन था ये वो जो वो सब उसको मैंने बताया कि मैंने उसको वो बोला था कि हम इंडिविजुअल खेलते हैं. एक पॉइंट पे ऐसे आएगा जब लेट्स से हम चारों बचते हैं. दिस इज़ आफ्टर यू वर एलिमिनेटेड आफ्टर ऑल ऑफ दैट. आई एम रियली वेटिंग कि मुनव्वर बोले एटलीस्ट ये एक बार कि साइशा मैं तो जा रहा हूँ, अंजलि भी जाने वाली है, चांसेस हाई है, बिकॉज ये बार बार वो लोग दोनों करते रहते हैं वैसे, राइट? तो दिस टाइम विल मेक श्योर यू गोइंग. आई वॉज वेटिंग कि वो अब बोलेगा, अब करेगा. मैंने ये बस अंजलि को बता के रखा था कि मैं रुकी हूँ, कि मैं देखती हूँ जितना मैंने ट्रस्ट उसमें डाला हुआ है तो वो कभी बोल किस पॉइंट पे वो बोलता है. बिफोर दैट मोमेंट कुड हैपन अंजलि डिड व्हाट शी डिड. तब मैंने उसको बोला वेट, लास्ट 4 बचेंगे तब करते हैं, अभी तूने किया तो बवाल मच जाएगा. शी वॉज लाइक या. आई वॉज लाइक यस. आर यू श्योर? शी वॉज लाइक यस अभी करते हैं. अगेन आर यू श्योर? शी वॉज लाइक यस अभी करते हैं. चलो करते हैं. ये सब बातें मैंने मुनव्वर को बोली थी. ही टोल्ड मी दैट आई विल नेवर ट्रस्ट हर बट आई विल ऑलवेज ट्रस्ट यू. टूडे आई हैव कम टू नो दैट ही टोल्ड अंजलि दैट डोंट ट्रस्ट साइशा बट आई ट्रस्ट यू. ये चीज तेरे को बिकॉज आई कंसिडर यू. अंजलि इज अ स्मार्ट वूमन. आई कंसिडर यू एज अ स्मार्ट वूमन एंड आई ऑनेस्टली डू. Not just because of your experience or whatever, तू है smart. Yeah. तुझे ये सुन के shock क्यों लग रहा है? I know, लग रहा है. मुझे ये पता है. उसने ये जो line बोली है ना, इससे और ज्यादा घटिया और वाहिया चीजें बोली गई है. तो बता क्यों नहीं रही है मुझे तू? नहीं, in general. About anyone. Anyone. तो बता मुझे ना, तो मुझे पता चले कि उसकी सोच कैसी है. मुनव्वर की सोच जीतने के लिए, डेस्परेशन के लिए, ही कैन किल समबडी जो उसके रास्ते में आएगा. उस तेरे बिरयानी में कब जहर मिला के कब खिलाएगा, तेरे को अभी तक क्यों नहीं समझ रहा है? ये लोगों को उल्लू बनाना, ये लड़कियों के साथ खिलवाड़ करना, ये इतनी घटिया चीज़ है पूनम. इतनी गंदी नीची लेवल की चीज़ तुम कर रहे हो और तुमको लगता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बैडएस हो, तुम शार्प हो. घंटा आई सॉ हिम होल्डिंग हर हैंड. ही आस्क्ड फॉर इट.
And I thought to myself, what is happening? Doesn't he have a girlfriend? When you say you have a girlfriend and you've constantly spoken about it with so much passion, do you think that girlfriend's going to be okay that you're holding a girl's hand like that? I'm now not going to pretend, but main khulle mein khelti hu, mujhe dar nahi hai. I'm not going to be the friends, I'm sorry. Mujhe zarurat nahi hai. Mujhe unke level pe ghatiya karne ki zarurat nahi hai. To pretend ke haath pakad ke chalo and all that, I'm sorry. Mere balls mein utna dam hai ke main ye sab karke aage nahi jana chahti hu. Like it's gross when she also has a boyfriend and she's saying I'm going to play along. You have a fucking boyfriend outside, what are you talking? But tum bol kya rahe ho yaar, how can you be okay with all of this? They have gone extreme level of filter. To first of all to get the content, second thing to win the trophy. Samajh rahi kya ho raha hai abhi? Nahi, par wo bhi abhi kya kar rahi hai? उसने मैरिड मैन को नहीं पकड़ा बट व्हाट इज व्हाट एल्स इज शी डूइंग सम मैं वही बोल रही हूं ना हैशटैग किसको नहीं चाहिए बाहर मैं वही बोल रही हूं ना केवी का रिक्वेस्ट उन्होंने डिनाई किया ना वो बोल रही है बट योर शी इज होल्डिंग हिज हैंड एंड ऑल ना हैशटैग किसको नहीं चाहिए ट्रेंड होना आई डोंट नो आई एम सो डिस्गस्टेड एवरीबॉडी वांट्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ शो आपको उठना है ना इतने लोगों ने अभी उठो फेक बन के करो उठो कैसे नॉट मी बेब Not me. Never. कैदियो ध्यान से सुनो बताओ चार्जशीट में मौजूद सात कैदियों के लिए जेलर ने एक एक गुब्बारा भेजा है अली अपना गुब्बारा उठाओ था। साइशा अब आपको बचा के रखना है कोई और फोड़ने से पहले ओ टाइमर लगेगा ये अजमा का गुब्बारा उसके साइज के हिसाब से क्यों बनाया अरे भाई तेरा बड़ा दोस्त है मेरा मत उड़ाना ब्रो नहीं तेरा क्यों उड़ाऊं ब्रो तुम लोगों को अगले 90 मिनट तक अपने गुब्बारों को सुरक्षित रखना है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बाथरूम हट मेरे को यूं करना चार शीट्स में डालना मुझे तो मैं तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता अली मचन का भग गए प्लीज मत अली का है अभी शुरू हुआ है रुक जाओ थोड़ा टाइम दो मैं 15-20 मिनट दो तब तक मैं और ये थोड़ी चाय पी लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं हमने किस किस का फोन है ट्रबल मेकर आज मेरे साथ ये भी आज 90 मिनट्स में अंदर बैठे रहोगे कैसे फोड़ेंगे 90 मिनट्स इज हाउ मेनी आवर्स 1.5 आ जा मेरी बैग मैं बात कर रही हम लोग एक बच के रह सकते हैं साथ में या तो फिर तोड़ के हम लोग तीनों अंदर बैठ के रह सकते हैं जल्दी दूसरे बाथरूम में जाओ ना दूसरे बाथरूम में जाओ 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 बाथरूम में जाओ पर साथ में रह सकते हैं ना exactly उसमें स्पेस है ना उधर मैं क्यों अलग रह करो कौन सी हम दोनों साथ में रहे बाहर में जाए सर आ जा मुनावर का फोड़ेगा मुनावर हाँ और अली ठीक है अली ठीक है अली का मैं फोड़ रहा हूँ ठीक है कहाँ भागा ये वो बाथरूम में छिप गया बाथरूम में भागा कुंडी तोड़ो लॉक कर दे बस खत्म अली कहाँ है वॉशरूम के अंदर चले गए क्या कर सिद्धू जहाँ मिला वहीं घुसा दूंगा पापा किसे फोड़ू दूसरी वाली करछी का बेटा अंडे के ऑमलेट वाली करछी उठा चोट भी न लगे पापा मेरा व्यापार मिल गया पापा प्रिंस देखो मेरे को तो कोई डर है नहीं मैं तो दूसरों का फोड़ने वाली हूँ हाँ तो फोड़ बांध दे हाँ हाँ मैं तो फोड़ूंगी अभी अभी फोड़ दूँ इतनी जल्दी अच्छा ठीक है एक काम करो अभी रुको ना एक काम करो मुनावर का फोड़ पक्का प्रॉमिस चलो डन पर यार ये वॉशरूम के अंदर बैठ गए हैं जाकर उसको मैं बोलता हूँ हाय अली कहाँ हो बाजू में हो तुम कहाँ हो
मैं शावर ले रहा हूँ 90 मिनट तक। मैं भी, मैं तो पॉटी कर रही हूँ। अब इधर कौन लॉकर के बैठा हुआ है? ए मैडम, ए मैडम, हेलो। अरे हम बोल रहे हैं, हम बउआ बोल रहे हैं। हेलो। अरे यार इनको ये नहीं पता कि कहाँ गए? अली बेटा, अली, ओ बेटा अली, अब खत्म हो गई तुम्हारी गली बच्चा। अरे अच्छा बाहर बाहर करके आते हैं, चलो। प्रिंस नरुला जी भी। अली का फोड़ो, पायल का फोड़ो, पायल कहाँ है? पायल जी आ जाइए, सबके फूट गए। जीने नहीं दूंगा, तेरे को तोड़ दूंगा। खाला भाई ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा, कैमरा से रिक्वेस्ट करो, वॉशरूम के अंदर जाके कैसे बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। वॉशरूम के अंदर बैठ सकते हैं, वॉशरूम के छत पे बैठ सकते हैं, जहाँ बैठना बैठ सकते हैं। सारे कीड़े हमारे, इतने खूबसूरत, हमारा इतना खूबसूरत गुब्बारा जो है, मर जा। अबे शिवम, शिवम, शिवम सेफ, तो मुझे क्या लेना देना तुम्हारा? मुझे क्या लेना देना यार? शिवम सेफ नहीं, मुझे नहीं है। क्या, मुझे कुछ नहीं। अरे शिवम, अरे ये कैमरा कट रहा है, आगे से हटो पूना पांडे। अबे गेम है, क्या कर रहे हैं? मैं बाहर क्यों नहीं आता? मॉस्किटो स्प्रे है वो, अंदर बेहोश हो जाएगा, जाकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सारे कीड़े मारूंगा, उसको याद दिलाओ गेम है। सारे कीड़े मारूंगा मैं, पब्लिक मारी है ये पीके। खोल दे भाई, अरे खोल दे, अरे खोल दे, अभी मेरी उंगली अटक गई। खोल, मेरी उंगली अटक गई, खोल नहीं रहा, क्या करूं यार मैं इसका। पायल, 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 जेल की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय मत करिए। क्या डिस्ट्रॉय किया मैंने? दरवाजा को बार बार पीटिए मत। कहाँ पीटा मैंने, तो ऐसे किया है। लॉक है दरवाजा। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरा बलून पकड़ के रख लो। नहीं, आई डोंट ट्रस्ट यू अंजलि, सो लेट्स लीव इट। सीरियसली, मजाक नहीं कर रही। सीरियसली, थैंक यू। पायल मैं इधर ही हुआ। कब बलून फूट गया? नहीं, उसका बलून उसके हाथ में है। वॉट एवर, she is not trusting me. मैंने बोला मेरे को नहीं। She is not trustworthy. क्या? She is not trustworthy. घंटा मैं उस पर भरोसा करता था, अब उसके शाइन होने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। तो तुम बाहर नहीं जा रहे? हाँ, तुम बाहर नहीं जा रहे? मैं अभी गया था, लेकिन बूम बाम मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो तो वॉशरूम लॉक, सब यार वॉशरूम लॉक करके बैठे, मैं ऐसे कैसे कर रहा था? इसको कुछ कुछ तो खोलना पड़ेगा। पूनम खोल जल्दी, खोल जल्दी, खोल। कौन है? मैं हूं, ये रख, तीसरा है पता नहीं किसका है। बाय बाय। बोलो बाय, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ ओ मार मार मार। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हटिया
देखो दरवाजे तोड़ना वैसे मना है। पूनम सब है बाहर, तू अंदर। हाँ, तुम लोग मेरे साथ फिजिकल भी तोड़ने के लिए बाहर आई हो। फिजिकल का है कुछ भी? अरे फिजिकल थोड़ी है बाबा, मैं तोड़ने के लिए बाहर आई हूँ। मैंने धक्का मारा, पकड़ना है फिजिकल। पकड़ना फिजिकल नहीं है, धक्का देना पकड़ना। तेरे को लगा फिजिकल है? तू समझ फिजिकल है? हाँ, तू बोलियो फिजिकल हुआ मेरे साथ, मेरा नाम लेके बोलियो। मैं नहीं बोल रहा फिजिकल हुआ, फिजिकल मैं नहीं बोल रहा फिजिकल हुआ, मैं भी सेम करूंगा सबके साथ। यस सर, वही तो मैं चाहता हूं, इसीलिए तो तोड़ा। आए बच्चों को लेकर भाई दरवाजा क्यों तोड़ा? मैं कह रहा हूं तूने अच्छा किया, उखाड़ दिया ना, मैं अच्छा किया भी तोड़ दूंगा, समझ नहीं आ रहा। तेरी मर्जी है, बस तुझे जो करना, यू कैन डू दैट। मैं तोड़ ही आऊंगा लेकिन दरवाजा तोड़ूंगा। आराम से रुक जा, शांति रख, दो मिनट। तुमने अपना क्या छुपाया? अपना क्या छुपाया? कुछ नहीं, तू उधर ही रहना पड़ेगा। साइशा अंदर ले गए, इसका भी अंदर ले गए। ये तो गलत है साइशा, किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर। मुझे नहीं पता था, मैंने तो एक उड़ाट लिया, मैंने तो रखा था। अगर मैंने एक निकाला, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, सुनो मेरी बात। मैं दरवाजा तोड़, मेरी बात तो सुनो। हां मेरी बात सुनोगे? मैं बाहर जा रहा हूं, मेरी बात सुनो फिर बाहर जाओ। मैं बाहर निकली फोड़ने के लिए, मैं पहले ढूंढने लगी किसने कहां छुपाया है। मुझे छुपाया हुआ एक गुब्बारा मिला, मुझे पता नहीं था किसका है। मैं अंदर लेके आई, मैं अंदर लेके आई, मैं बोली, मैं सोची कि मैं वो फोड़ दूंगी। मैं यहाँ आई, मैंने इसको बोला मेरे को है ना अंदर एक गुब्बारा मिला था, वो मैंने यहाँ पे छुपा के रखा, वो मैं फोड़ दूंगी। तब ये मेरे को बोली कि ये मेरा वाला है, मुझे पता नहीं था। मैं बाहर बुला के फोड़ो, मैं देखो अभी नहीं, इधर नहीं फोड़ूंगी। अगर आपका नहीं फोड़ना ना, मेरा गुब्बारा खुद उठा के लाई है, मैंने देर से सेटिंग करी है, उससे मेरे को पता भी नहीं था इसका। नहीं आपको देखो, आपको चॉइस करना पड़ेगा। मैं बोलूंगी ना, नो नो नो, मैं फोड़ूंगी इसका, फिर मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंजलि का गुब्बारा गया कहां? क्योंकि गुब्बारा उसका फटा नहीं है और ये झूठ बोल रहा है। तो फिर ऐसे कैसे तुम ऐसे कर सकते हो? इन्होंने गुब्बारा कहीं छुपा दिया, तोड़ नहीं सकते हो। इन्होंने कहीं गुब्बारा छुपाया है, इन्होंने कहीं गुब्बारा छुपा दिया या ऊपर ऊपर फेंक दिया कहीं पे ना। आप चाहते हो कि 90 मिनट गुब्बारा मिला ड्रम में से, वो लेके आके छुपा दी, फोड़ी नहीं। 90 मिनट मुझे पता करना था किसका है वो, झूठ। 90 मिनट आप क्या बोलिए, दिखाओ। नहीं तो फोड़ देना, मुझे क्या पता किसका है, मेरे दोस्त का हो तो मैं क्यों फोड़ूं? क्या तुम छुप के बोरियत थोड़ी दिखाओगे? छुप के बोरियत की बात नहीं है, उसने दरवाजा तोड़ दिया। इसने इतना सा शर्म किया इस इंसान में, इसने पार्टी के अंदर रखा हुआ था, पार्टी के अंदर। देखो कितनी हिंसा है, देखो कितनी हिंसा है, दरवाजे तोड़ रहे हैं, वो लिखा है दरवाजे तोड़ रहे हैं ये लोग। कैदीज असेंबल इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस स्क्रीन, दे सेड ऑल द कैदीज आर हैव टू गो आउटसाइड। ये किसका है? अंजलि भाई का कोइंसिडेंस, सोच मेरे को छुपा हुआ कहां रखे ये गुब्बारे, देख ये क्या, इधर क्यों बाहर फोड़ेंगे? फोड़ना है तो तू तेरा ले ले, तेरा इस देख किसका फोड़ना है बाहर डिसाइड करते पहले, देख में देख क्या हो रहा है गेम में। आई प्रॉमिस यू नो आई एम विद यू। हां पर आप दरवाजे नहीं तोड़ सकते ना। नहीं तोड़ा दरवाजा, उसने तोड़ा, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। मुनव्वर ने तोड़ा तो मुनव्वर ने झूल दे, वो मुनव्वर का लेना देना। जेल रूल नंबर 3 है, यू कैन नॉट डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ द जेल। तो बात खत्म, तो हाँ तो तोड़ दो, तुम फिर यहाँ से बाहर चले जाओ, बात खत्म। उसकी गेम है, वो मेरी मर्जी है, वो मेरी मर्जी है। हाँ तो तोड़ो, आंसर करो जेलर को, दरवाजे खिड़कियां तोड़ो, तोड़ो आंसर करो। दे दूसरा वाला, लिसन लिसन, इसके अंदर छुपाया कौन सी? नहीं नहीं, हाँ अंजलि तेरा, जब आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा आप क्यों बज रहे हो? शट अप आके भीख मांग रही थी वहां पे, शट अप। कौन तेरे साथ, तेरे कोई मुंह ही नहीं लगना चाहता, घूम फिर के मेरे पास आ जाती है फुटेज के लिए हरदम। मेरा भुग्गा फूटने का दुख एक तरफ, अंजलि इसका भुग्गा फूटने का सुख एक तरफ। अच्छा, पे बड़े बड़े डायलॉग आ जाते हैं फोकट के, यार मेरा भी फोड़ दे यार, खत्म कर ये वाला डायलॉग मत मार, फोड़ना है तो सीधा मुंह पे फोड़। जेल की प्रॉपर्टी तो नहीं, नहीं वो नहीं, दोस्त नहीं, सब आ जाते हैं डायलॉग एक एक करके बाहर। एक बात रही है, चार्जशीट से मेरी तो नहीं, तो नहीं फटती तो क्यों आ गए वहां पे खड़े होके? कन्विंस करो ना किसी को। अंदर हो अली, हम तुम अंदर हो? अरे मत टेंशन लो, अपन एक टीम में। कौन है अली? तुम हो? हां बाहर बुलाया है क्या? हां बाहर बुलाए।
अली मर्चेंट नहीं कि ये दिस इज़ नॉट रेफरेंस हमारी जो तरकीब है वो तरकीब है कितना हिंसा भरा हुआ इसके अंदर देख लिया आपने जिसके हाथ में गुब्बारा है उसका है सबके नाम थोड़ी लिखे गुब्बारे तो सब एक जैसे हैं ये कोई रीजन थोड़ी हुआ फोड़ना है वैसे फोड़ दो तो दैट्स योर कॉल आई नो बिकॉज़ तीन मुझे पता है ना अंदर कौन से क्या थे बस ठीक है क्योंकि मेरा फूटा है कि नहीं फूटा है पता नहीं ना वो फोड़ेगा वो फोड़ेगा किस किस का रह गया सबके फूट गए ऑल गुड सबके फूट गए बिट्टू अंजलि वो इंसान ने इतना झूठ बोला है ना कि उसको अभी खुद को पता नहीं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है समझी तू मैंने जेन्युइनली बोला मैं बाहर निकली हमारा दोनों का प्लान क्या था एक अंदर रहेगी एक बाहर रहेगी एक बाहर आके टाइम चेक करेगी शिवम ने क्या किया था हमने बोला था देख मैं अपना खुद फोड़ूंगी मैं छुपा रही हूं ठीक है मुझे सबके फोन में ठीक है अब वो पहले तो मुनव्वर का फोड़ा किसने फोड़ा तूने ही फोड़ा मैंने शिवम ने और स्पेंस देखा ना कि वो बाल्टी में कुछ नहीं था उसका गुब्बारा अंदर है पायल का मुनव्वर ने गेट तोड़ दिया और उसका फोड़ दिया फेयर इनफ अगर तुम छुप अरे फकिंग टास्क है टास्क क्या फकिंग रो रहे हो इट्स अ फकिंग टास्क जेल की अरे बार बार क्या दोस्ती ला रहा है यार हर बार में हर सेंटेंस में It's okay. जेल के दरवाजे के साथ हिंसा हुई है दरवाजे को खड़ा रखो मैं 50 उठक बैठक करता हूँ उसके सामने पायल का फुग्गा फोड़ने के बदले अगर डंजन में रात गुजारनी पड़े तो कबूल है मुनव्वर फारूकी के खाने का नमक बंद करो ठीक है उससे बहुत मिर्ची लगती थी ना इतनी नमक जल्दी बंद तो, करने से इतनी जल्दी इन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि छूट जाएंगे जो मैंने उस दिन भी प्लान किया था जो अंजलि मुनव्वर का मैंने उसको भी तभी बोला था अभी नहीं करना है थोड़ा रुक के करना है थोड़ा रुक के करना है माय स्ट्रेटजी इज टू वेट जैसे मैंने अभी फोड़ के बोला मेरा नहीं है वैसे आगे आगे चलते और भी वैसी चीजें हो सकती थी वॉशिंग के पीछे से खड़ा हो गया बाथरूम के ना मैं पीछे टाइल होती है ना टाइल लाइट अगर हो तो पीछे से टाइल से चमकते हुए दिखता है कि बंदा क्या कर रहा है पीछे से देख रहा हूँ सुराख में से मैं खाली छुपा रहा लगा पड़ा आधा घंटा कपड़े रख रही है वो जैसे ही बाहर गए कैमरे के सामने निकाल के दिखा गया टपा टप नमस्कार इतने हैंडसम क्यों हो इतने हैंडसम क्यों हो मेरी मॉम से पूछना पड़ेगा ये प्लीज चीनी भेज देना कर देना और अगर ये गुब्बारे भेज रहे हो तो फटाफट भेज दो क्योंकि फोड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है छोड़ेंगे नहीं किसी को नहीं छोड़ेंगे बैठ तो रे यार कड़ी तोड़ना एक दो अलग चीज है क्या दिस अ सिंपल इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस की अच्छा बच्चों क्या किसी भी कैदी के बलून बचे हैं नो सर नो सर नो नॉट जॉन सर हमारे रहते बचेंगे कैदियों अब ध्यान से सुनो सर थोड़ी देर पहले जेलर ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा था तुम्हें कहा गया था कि तुम्हें अगले 90 मिनट के लिए अपने गुब्बारे को सुरक्षित रखना है यस सर और मैं ये भी बताना चाहूंगा ये कोई
खेल नहीं था, तुम लोगों की एक परीक्षा थी। यस सर, इंडिविजुअल गेम्स, आई नो सर। जिसमें तुम सभी फेल हो गए हो। आज तुम लोगों के पास एक मौका था कि सारे के सारे कैदी चार्जशीट से बाहर हो जाते और इस खेल के नाइन्थ वीक में एंटर करते। आपने पहले नहीं बताया। लेकिन टाइमर शुरू होते ही तो ऑब्वियसली तुमने सारे के सारे कैदी अपनी फितरत पर उतर आए और खेल शुरू हुआ मिसट्रस्ट का। तुम सब साथ मिलकर बातचीत करके सारे गुब्बारे सुरक्षित रख सकते थे। अच्छा अच्छा हाँ। लेकिन जैसे ही पहला गुब्बारा फूटा, सभी गुब्बारों के फूटने का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सिर्फ 24 मिनट के अंदर सारे गुब्बारे फूट चुके थे। शिवम, तुम्हारा फिनाले वारंट जारी हो चुका है। सर आप बुलाएंगे तो मैं आना चाहूंगा आगे। ओए हथकड़ियों वाला आया वारंट। शिवम जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारा फिनाले वारंट जारी हो चुका है। यस सर, थैंक यू सर। अब बात करते हैं उस पावर की जो शिवम ने फिनाले वारंट कार्ड के साथ जीती है। थैंक यू सर। शिवम आगे आओ और अपना वारंट लो। ये ओ शिवम माय बॉय। महादेव, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर, शूटर सर। जय हो। ये मेरा दुख खत्म क्यों नहीं होता? वाह भोले शंकर, तेरी रहमत, जय शंभु। ये मेरा दुख खत्म क्यों नहीं होता? शिवम तुम वारंट खोल कर देख सकते हो। आज हम साथ में खोलेंगे। ओ वाह बोलना। 21/4/2022 12201 आगे खोल। कितने नंबर तू है? 3 टिकी तो लगी हुई। कोर्ट ऑफ लॉ का आप समन फॉर द फिनाले टू शिवम शर्मा एके बूम बम। This is a summon for the caddy number 012201. You are commanded to be present for the finale judgment day hearing. Karan, Kundra, Kangana, main bhi sign ho rakhe hai. Wow, boom, boom. Oi, 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 oi. Thank you so much, lockup. Thank you, sir. Thank you, sir. Love you, sir. Thank you. Kangana ma'am ki sign. Mera sabse pehle nazar Kangana ma'am ki sign pe gaya. Main pehle ka frame ho ke. Wow, Kangana ma'am ka autograph hai, bhai. Ye aapka power ka. Kangana ma'am ka. Shivam, ab baat karte hain tumhari power ki. Tumhe ऐसे कैदी का नाम लेना है जिसे तुम इस हफ्ते की चार्जशीट से सुरक्षित करना चाहते हो। तुम्हारे पास हैं 7 ऑप्शंस। मुनव्वर इस ऑप्शन से आउट होता है क्योंकि मुनव्वर ने जेल की प्रॉपर्टी डैमेज की है। अब तुम्हारे पास हैं 6 कैदियों के नाम, तो तुम इनमें से किसे सुरक्षित करना चाहोगे और नाइन्थ वीक में लेकर जाना चाहोगे और क्यों? मैं पायल रोजगी जी को सेव करना चाहूंगा सर, क्योंकि अब रीजन मैं ये देना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता ये लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, बट मेरी नजर में ये शो सब कुछ है। well deserved. और इस शो पर शो के प्रति जो योगदान है उनका, मुझे लगता है ये जो टॉप 3 पिलर्स होते हैं ट्रिनिटी के, ये उनमें से एक ट्रिनिटी के पिलर इस शो के ये हैं। चाहे जैसे भी उन्होंने जो कि शब्द सबसे गलतियाँ होती है किससे नहीं होती हैं, पर मुझे लगता है कि शो के प्रति उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं अपने ऊपर रहूँगा कि इन्होंने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है शो में। और आलू मेथी बहुत स्वाद बनाती है सर, कभी आलू मेथी भिजवा दो पैक करके आपके घर में। आई थिंक वेल डिजर्व, वेल डिजर्व पायल, वेल डिजर्व, वेल डिजर्व, वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट पायल। यस, तुम इस हफ्ते की चार्जशीट से बच गई हो। थैंक यू। महारथियों को बचा रहे हैं, सोचो कितने सर्वशक्तिमान हो चुके हैं हम। फर्स्ट टाइम पापा सुन रहे तो आज कुछ तो बोलोगे तुम। गॉड ब्लेस यू मैम, जय शंभु। थैंक यू सो मच, डोंट वरी मैम, यू डू बेस्ट। कैदी मत तोड़ दो, जेल की प्रॉपर्टी मत तोड़ो। ठीक है, वाह आवाज तो आई गई होगी। आप सारे कैदी डिसमिस।
लावेश क्या बात है पायल जी क्या बात है शिवम शर्मा मेरा दिल जीत लिया दिल एक हमेशा से राम के साथ मुझे पता है यू आर द बेस्ट पापा ने जब बोला था कि रतियों से नहीं महारथियों से भिड़ो सबसे पहले आपको अटैक किया मैंने और आज मैं आपको बचा रहा हूँ ना तो आज मेरे पापा बोल रहे होंगे ये है मेरा बेटा सर्वशक्तिमान तो और आज संग्राम भी बोल रहा होगा सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न शिवम शर्मा प्लीज अगर मौका मिले किसी को लॉक आउट करने का प्लीज मुझे निकाल दो इट्स अ रिक्वेस्ट आई डू नॉट वांट टू स्टे आई कांट डू दिस एनीमोर यू विल ईदर गेट अ कंटेस्टेंट हु इज इनएक्टिव फॉर वन होल वीक और गेट मी आउट नहीं मुझे नहीं करना ये सब इफ दैट्स द केस देन गेट मी आउट आई कांट डू दिस एनीमोर मेरे दिमाग और मेरी मेरा दिल बहुत जरूरी है इसको पकड़ वो मैं नहीं कर सकती इधर आए इधर आ बैठ ओए बैठ हाउ मच यू कन्विंस मी ओए बैठ बैठ पागल मेरी बात सुनो क्या बोल रही है क्या इस वजह से कि आप इतने वीक हो वीक की बात नहीं है मेरी बात सुनो आपको क्या चीज इफेक्ट कर रही है टेल मी जस्ट टेल मी फ्रेंडशिप इमोशन आपके फैंस ने आपको वापस लाया साइशा डोंट ब्रेक दैट ट्रस्ट अगर आप टूटोगे ना बाहर कितने लोग टूट जाएंगे बिकॉज़ यहाँ पे सच्चाई की जीत नहीं होती है प्रेम अरे बाबा आपको सच्चाई की जीत से क्या लेना देना जब आपके साथ दुनिया खड़ी है यू हैव टू डू दिस नो यू हैव टू डू दिस यू कांट डू दिस यू कांट बी सो वीक इट्स टू मच लाइंग इट्स ओके टू बी अ लायर तुम्हें यहाँ पे किसी से दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है तुम्हें भी किसी को सच बोलने की जरूरत नहीं है प्ले योर गेम इट्स जस्ट 15 16 डेज लेफ्ट और अगर आपको लगता है कि वो दो लोग आपसे इफेक्ट कर रहे हैं कट इट Then I will not be talking with anyone. मेरे से बोलो पूनम है तीन चार तो लोग हैं जिससे आप बात कर सकते हो कल करण ने बोला कि आप शाइन किए जो आप सबके अगेंस्ट गए आप सबके अगेंस्ट जाओ आप ही मेन बन जाओ हम तब तक अच्छे होते हैं जब तक हमारे सामने वाला अच्छा होता है जब तक हमारे सामने वाला अच्छा नहीं है हमें अच्छे रहने की जरूरत नहीं है ओके हग मी मैं अरे हटो तुम अच्छे दोस्तों हटो 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 पूनम हटो पांडे पांडे हट जाओ मैं दोस्त हूं साइशा का हट जाओ अच्छा ये बैडेस है किसी को हट नहीं किया हमने ये बैडेस है हम इतनी इतनी पास आके हिम्मत नहीं हार सकते थैंक यू वेलकम हमको भी बता दे हम भी बात कर ले के बात करने का कंडीशन अप्लाई है कन्वीनियंट लोगों के साथ बातचीत करेगी तो नहीं मुनव्वर मुझे बात नहीं करनी है कुछ क्यों नहीं करनी हुआ क्या कुछ भी नहीं हुआ प्रिंस से तो कर ही देता हां बिकॉज़ प्रिंस ने जिस तरीके से गेम खेला मुझे हर्ट नहीं हुआ उस जिस तरीके से उसने मुझे उल्लू बनाया उस तरीके से मुझे हर्ट नहीं हुआ यहां पे ऐसी पोजीशन आ गई है कि मैं भी वैसी बनती जा रही हूं वो मुझे बनना नहीं है अच्छा हम लोग से हर्ट हो गया तेरे को किसी से कुछ हर्ट नहीं हुआ मैं बोल रही हूं मुझे कुछ सॉल्व नहीं कर रहा तो फिर तू क्यों कन्वर्सेशन कर रहा है I do not intend to solve anything. Okay. I had my weak moment. I had it. It's done with. Prince has thankfully helped me out of it. In 15 minutes, I'm out of it. मैंने थोड़ा सा बोल दिया तेरे को क्या बुरा लगता है? तो अरे पर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं होता ना मुझे अगर बुरा लगता है तो लगता है. Exactly. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मुझे solve ही नहीं कर रहा तो फिर बात क्यों कर रही है? अरे मैंने इसको बोला ना कि अच्छा तुम लोग तीनों अरे मुनव्वर तू बोले तो सब सही है तीनों का पहले बोलते अभी इंडिविजुअल खेलेंगे और तुम अरे पर तुम सॉल्व क्यों कर रहे हो एक बात रुक यार हटना यार तो जाना बोल रही हूँ सॉल्व नहीं करना है फिर कौन कर रहा है तो फिर कर बात कौन सॉल्व कर रहा है तो कर बात अकेले खड़े रह के मेरी बात सुन के जा साइशा मेरी बात सुन के जा बस तुम लोग आपस में ट्रस्ट इंडिविजुअल गेम है ना तुम्हारा अंजू एक सेकंड अगर इस इंडिविजुअलिटी में किसी को एक टक्का अगर ट्रस्ट आता है किसी पे तो वो उसमें करेगा कोई गलत बात नहीं है नहीं है कोई किसी को बोलने से नहीं रोक सकता बट जब मैं जब मैं वो चीज एड्रेस करूं तो तुम्हारी गांड नहीं चलनी नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल सीधी बात दो टके के लोगों को मैं फुटेज नहीं देती हाँ ठीक है सबको पता है कि कौन कितना बड़ा है और दो टके के लोगों को मैं फुटेज नहीं देती सॉरी ठीक है कोई बात अपना स्टैंडर्ड बनाओ मेरा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है मुनव्वर फारूकी जैसा स्टैंडर्ड बनाओ मेरा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है मुनव्वर तुम्हारा जो लीडर है ना
इतना मेरा कोई लीडर नहीं है, उतना स्टैंडर्ड बनाओ फिर आके मुझसे लड़ना। मैं मुन्ना वर फारूक जैसे लोगों से लड़ती, तुम जैसे से नहीं लड़ती। मैं तुम्हारी तरह पायल की चीनी नहीं हूँ। तुम साफ नहीं करोगी तो मैं कचरा लेके तुम्हारी गली पे रख दूंगा। मैंने बहुत कुछ काम किया, मैंने बहुत कुछ काम किया, किचन के पीछे पूरा जो झाड़ू करना था वो मैंने किया, डस्टबिन मैंने साफ किया, ठीक है, और बाथरूम मैंने साफ किया। तू भी तो कचरा ही है, मुंह डुबा लेता, चाट लेता डस्टबिन। अपने मुंह से साफ करियो नेक्स्ट टाइम, ओके डस्टबिन। टॉक टू माय शूज, दिस इज व्हाट यू डिजर्व। टॉक टू माय शूज, दिस इज व्हाट यू डिजर्व। ओह सॉरी, माय शूज आर वे टू ब्रांडेड एंड वे टू एक्सपेंसिव टू स्पॉइल इट बाय पुटिंग इट ऑन योर माउथ। ओके, योर माउथ इज लाइक अ गटर। ओके, अपने दिमाग में जो टॉयलेट है ना, तुम्हारा जो टॉयलेट है ना, तुम्हारा जो, ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी गंदी सोच है। मेरी तो हर चीज एक्सपेंसिव है, मैं खुद एक एक्सपेंसिव बंदा हूँ। मुझे अंकल के नाम एक और लांचन, मतलब मानती हो कि तुमने जो किया गलत किया, तुमने एक लांचन तो लग ही गया था ना, है ना, तुमने जो हरकतें की उस पे तो लांचन लग ही गया था। तुम्हें तो आके बोलना पड़ा किसी को कि भाई ऐसी बातें मत करो, ऐसी जुबान मत इस्तेमाल करो, तुम्हारी सोच ही ऐसी है, तुम्हारे दिमाग में ही गटर है, तुम्हारी जुबान ही घटिया है। इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है, इतना हैंडसम है ना, कीड़े है, तुम्हारी जुबान ही कीड़े जैसी है। अरे यार खरगोश जैसे दांत तो पहले कम करो, बंद करो, बंद तो करो, बंद करो, चल निकल, चल चल निकल, चल गेट आउट, से बात कर, गेट आउट, आपसे बात कर, गेट आउट, कोशिश अच्छी थी, गेट आउट, कोशिश अच्छी है, कोशिश अच्छी है, कोशिश अच्छी है। टॉक टू योर चप्पल्स, योरसेल्फ, निकल, अपने अपने हाथ को क्यों हाथ में रख रही है, अपने हाथ को क्यों हाथ में रख रही है, जब जाना है मैं जाऊं, अरे ये मेरा स्टाइल, चल निकल, चल चल, गेट आउट। बुड्ढा फुटेज लेने के लिए आ जाता है, ट्रोलर आजमा फल्ला, किसी को फुटेज नहीं देगी। तुमसे फुटेज चाहिए नहीं, सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ और सही बोल रहा हूँ, तुम्हें जो करना है। जेलर मुझे काम करवाएंगे, ठीक है, कल कचरा सारा तुम्हारे बेड पे। जेलर मुझे काम करवाएंगे, खुद साफ कर, वो मैं साफ करूंगा, तूने साफ कल सुबह तुम्हें साफ नहीं किया, पूरा कचरा तुम्हारे बेड पे होगा, सिंपल। मेरे बेड के आसपास आके दिखा, बुड्ढे मत साफ करो, कल सुबह पूरा कचरा तुम्हारे बेड पे डालूंगा, फिर तुम साफ के निकालूंगी जो तेरे नकली बाल तूने लगवाए ना सर पे, एक 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 चुन चुन के निकालूंगी। हाँ हो गया क्या? आके मुझे अली मर्चेंट बोलता है तुमने अगर बाथरूम सही से साफ नहीं किया तो तुम्हारे बेड पे बाथरूम का पूरा कचरा डाल दूंगा। मैंने बोला तू कौन होता है? तेरे बेड पे तो, तेरे बेड पे तो कचरा है, होता ही है। हाँ, तो? जब तू सोती है तुम्हारा बेड तो साक्षात गटर है, गटर। अब वो मैं नहीं हूं ना इसके लिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम जाओगे तब तो गटर मेन वो है, मेन तो गटर बनेगा वो जब तुम जाओगे, ठीक है, जिसकी पाइपलाइन कभी ठीक नहीं होती। लॉकअप वाले ठीक कर करके थक गए ये, लेकिन ये जो गटर की पाइपलाइन है ये पूरा सीजन खत्म हो गया अब तक ठीक नहीं हो रही है, ये गटर की पाइपलाइन इतनी डैमेज हो गई है, यूज कर करके लॉकअप वालों ने तुमको आसमान ने इतना हगा है, ये गटर रिपेयर नहीं होता, आसमान ने अपने मुंह से इतना हगा है, हमारे जेलर साहब ने बोला है ये गटर की पाइपलाइन ठीक करते करते लॉकअप वाले डॉक्टर बुला बुला के पाइपलाइन सही नहीं हो रही है, गाल पे लीकेज हुई है तुम्हारी, चेक करो। कल सुबह तक साफ नहीं करेगी, जितना भी बाथरूम का कचरा है ना वो सब तुम्हारे बेड पे होगा। चल बुड्ढे, किसी और को नाम क्या लगा? ये मुझे एज शेविंग से फर्क नहीं पड़ता, बुड्ढे तेरी एज की वजह से नहीं, जो मैं और कंगना एक एज के, हाँ ये जो तू चलता है ना उस वजह मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब किसी और पे यूज करना मुझे ये सब से फर्क ही नहीं पड़ता। बाबूजी निकल, ओके बाबूजी, हिम्मत है तो अभी करके दिखा, नहीं साफ करूंगी अभी करके दिखा, चल रुकता हूँ ना शाम तक, हिम्मत तो बहुत है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी तो होगा भी नहीं होगा, नहीं होगा। साफ ना करो, कल अपनी सुबह तक का टाइम दिया हूं मैं, आईने में देख ले तेरे बोलने पे आजमा फल्ला के, तेरे घर की काम वाली भी ना करे तेरा काम, समझा? तेरी शक्ल देख, मेरी जो काम वाली तेरी शक्ल देख, तेरे बोलने पे आजमा फल्ला के तेरे
मेरे घर की कामवाली ना करे। निकल, तेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तेरी बात मान लूं। प्रिंस अरोरा बोले तो मैं मान भी लेती हूँ। हैंडसम लड़का बोल रहा है, मैं अपनी जान दे दूं। तेरे जैसे बनने के लिए मैं एक काम ना करूं। हाँ मैं शट अप। तेरे पिछवाड़े में दम होना तो प्रिंस नरूला जैसे बंदे को धमकी लगा, ठीक है? प्रिंस नरूला जैसे बंदे को धमकी लगा। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऐसी जगह पे तेरा बंबू लगाएगा। मुझे जरूरत ही नहीं इसे को चाटने की। कभी भूलेगा नहीं। कोई टेंशन नहीं है। खुद ही आ रहा है मेरे पास अपनी मरवाने के लिए। साफ सफाई करने के लिए। अपनी मरवाने के लिए खुद ही आके पेश कर रहा है अपना। अली ठस गया तू? नहीं नहीं, सुबह तक का टाइम दिया। नहीं नहीं नहीं, ये आर्ग्यूमेंट में ठस गया तू। Work together. It's just one week left. Backstabbing जो होनी थी वो तो हो गई ना। अभी आके खेलो ना, खुद भी तो shine हो। We should work together. तुम्हें क्या लगता है मैं finale तक आऊँगा क्या नहीं? मुझे क्या पता? Genuinely बताओ, genuinely. अपनी रंजिश या दुश्मनी अलग करके genuinely बताओ तुम्हें क्या feel होता है? क्या मैं finale में आऊँगा कि नहीं आऊँगा? मुझे नहीं पता। मुझे ये कहना है कि अपने एक दूसरे के साथ काम। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। If you feel, if you think that I'll be anyways in finale, तो मेरे लिए आप पे trust करना easy होगा ना? देखो, अगर मैं तुम पे trust करूँ और तुम भी वही करो अभी वो। नहीं नहीं, I don't do that. I don't do that. अभी शिवम ने मेरा नाम क्यों लिया? शिवम और मेरी कोई best friends तो है नहीं हम लोग। But हम लोग जो करते हैं, stand by करते हैं। तो फिर मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि why me? मुझे बख्श दो ना। असल में मैं आपको बख्श दूँगी। ठीक है। तुम ये भी कैसे भी सेव हो चुके हो, ठीक है? अभी मेरी चार्जशीट तो आएगी ना? चार्जशीट नेक्स्ट वीक आएगी। आएगी। ठीक है, देखो मेरे को तो पता है मेरे अभी वैसे भी मेरे टारगेट पे अगर मेरे को लगता है कि अगर दो लोग जा रहे या तीन लोग जा रहे तो आई नो कि ये चार में से ये दो के तो चांसेस है ही और वो लिस्ट में मैं नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, तो लोग मेरे को पसंद करके यहाँ तक लाए तो लोग नेक्स्ट नौवे हफ्ते में भी मेरे को लेके जाएंगे। ठीक है, बट साथ खेलने में क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट हैव प्रॉब्लम। साथ खेलो, फाइनलिस्ट तो पांच हैं। हाँ, बट फिर आई वांट के साथ खेलो, फिर तुम किसी और के साथ भी गेम करके मेरा गेम ना करो। नहीं देखो, मैंने कोई दोस्तियाँ की मिसाल नहीं गढ़ी है इस जेल के अंदर, जैसे तो आप लोग ने गढ़ी है। मैंने ना आजमा के साथ दोस्तियों की मिसाल गढ़ी है, ना बबीता जी के साथ दोस्ती की मिसाल गढ़ी है, ना केवी के साथ दोस्ती की मिसाल गढ़ी है। मगर केवी जब सेकेंड बार आया, ही एंड मी वर वन। तो अगर हम कर सकते एक दूसरे के साथ ऐसा, तो हम लेट्स हैव अ स्ट्रेस फ्री नाइन्थ वीक इनटू द टेंथ वीक। ठीक है, चलो एक दूसरे को इतना तो इज्जत दे। हम पहले दिन से शो में। ठीक है, अभी हम दो मिलके किसी को उड़ाते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, किसी को भी उड़ाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। आजमा को बख्श दोगे, आई विल बी हैप्पी। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी दोस्ती की मिसालें मैं गाड़ रही हूँ, बट राइट नाउ अगर आपके रडार में कोई और है तो फिर मैं आजमा को क्यों हम टारगेट करें? डजंट मेक सेंस। देखो, आई एम क्लियरली टेलिंग टू, अभी मैं आप पे भरोसा करके ये बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ। मेरे रडार पे भी अली और पूनम। आपको साइशा और अंजलि को टारगेट? साइशा भी, अली पूनम के बाद साइशा। अंजलि को आप लेके जाना चाहते हो? उसके बाद अंजलि। बट इतना टाइम का, हमारे पास एक ही हफ्ता है। अंजलि को कैसे उड़ाएंगे? उसको वोट आएगा, पब्लिक बचा लेती वोटिंग। तुम अपने फैंस को बोलो। ये हम सैटरडे डिसाइड करते, सैटरडे देखते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, तेरी लाइफ में भी कोई और है, इसकी लाइफ में भी कोई और है। ये मुंजली यहीं ख़त्म होके जाना चाहिए। वो तो ख़त्म हो ही है बच्चे। मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारी इंटेंशन गलत नहीं होती, कोई भी किसी की भी, पर हमारे पार्टनर हर्ट हो जाते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ना होता ना, दोनों की लाइफ में, तो कोई टेंशन ही नहीं हुई। नहीं, बट वो जो बाहर है उतना अंडरस्टैंड नहीं है, समझदार। तो थोड़ा सा याद रखना, दोस्ती नहीं कम करनी, दोस्ती होती है। वो दोस्ती ही मतलब है। हाँ, वो हाथ पकड़ के बात करना, मनाना, वो दोस्ती है। बस मतलब वो दिखना चाहिए, बस वो दिख ही रहा है। कुछ ऐसा पहले दिखाओ तो पता नहीं, बट मुंजली ऐसे नहीं बना। मुंजली बना किसी वजह से ही है, है ना? तो उसकी वजह से किसी और के सेंटीमेंटल हर्ट नहीं होने चाहिए। किसी के नहीं, हर्ट तो किसी को नहीं करना है भाई। बस तो ये भी गेम खेल रहे ना, समझ रही है ना? सब तुड़वा दिया आते। तू मेरे को कुछ बताती नहीं है, वो तेरे से क्या बोलता है कुछ तू मुझसे शेयर ही नहीं करती। मेरे से ऐसा कुछ नहीं बोलता। फिर वो भड़काता है, वो दिखता है। हाँ, पूरा पूरा। तू बता ना मेरे को क्या बोलता। जब वो टांसता ना,
उड़ाने वाला, इसी ने मेरे को बोला था गो फॉर मनावर। मैंने कहा नहीं, इतना नहीं गो। कुछ भी फायदा हुआ क्या वो? एक एक रुपए का फायदा बता तुम लोगों को। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जब भी हम दोनों बात करने बैठते हैं उसके इंस्टेंट बाद मुझे बोलते हैं क्या नहीं। चिड़ होती है। कह रही थी कि वो इंसान गेम के लिए कुछ भी कर रहा है, ये वो क्या। हाँ, कह रही मैं उस इंसान को जीतने तो नहीं दूंगी, जीतने नहीं दूंगी। मेरे को मेरे को क्या बोलती है, मेरे को पता है क्या बोलती है। मैं तेरे लिए आई हूँ शो में, कल बोल के गई है मैं चाहती हूँ तू ही जीते। जाएगी तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगी या उसके साथ? दोनों। पहला दिन फैमिली का वहीं रहेगा घर पे, फैमिली है मेरी। उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी या नहीं? घूमने जाना है। मिलेगा ना आकाश से, वो भी बहुत आसाता है। मीन जोक्स मतलब मेरे से मीन्स नहीं, मीन जोक कोई नहीं मारता बिल्कुल भी नहीं। तूने आज तक मेरे ऊपर बहुत मीन जोक नहीं मारे ना, कभी भी नहीं, एक दो। अगर मैं परसों चली गई तो याद करेगा मेरे को। जब तक अली पूनम शायद शायद वो नहीं जा सकती। साइशा स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं प्रिंस तो लेके जाएगा साइशा को। प्रिंस है ऑडियंस जिसको जो ठीक लिखते हैं लेके आए, ट्रॉफी में लेके जाऊं। ठीक है, और ये मैं नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है। खुश होगी ना कि बुरा लगेगा? जवाब नहीं देना कि फिर बोलेगी इंटरव्यू में कि उन्होंने मेरे को पूरे सीजन इस्तेमाल किया और जीता ट्रॉफी। काम करियो, जो क्वेश्चंस मुझे पूछेंगे ना लोग, मुझे अच्छे से आंसर रेडी करके दियो। वो भी मैं ही जवाब दूँ? ठीक है, इतना तो कर ही सकता है मेरे लिए। बिल्कुल, इतना कर सकता है इतना कर सकता है। अरे हमने तो पूरा सीजन निछावर कर दिया तुम्हारे को, और तुमने हमारे घोड़े लगाए, और साथ में आपके भी दो घोड़े लग गए। अच्छा है जो दो इंसान थे तू सबसे ज्यादा नफरत करती थी, तूने उस इंसान को जिता दिया। सच में